हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मोनिका स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल योगा वाले पर। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं हम लोग हाई कोलेस्ट्रॉल को कैसे मेंटेन कर सकते हैं, यानी उसको कैसे संतुलन में ला सकते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं हमारे शरीर में दो तरीके के कोलेस्ट्रॉल होते हैं? एक होता है बैड कोलेस्ट्रॉल, एक होता है गुड कोलेस्ट्रॉल। हमको बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ने नहीं देना चाहिए, यानी जब हम अपने लाइफस्टाइल का ध्यान नहीं रखते हैं, यानी जो हमारी डेली लाइफस्टाइल है जिसमें हम कैसा खाना खा रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इस तरीके की अगर एक्टिविटीज़ होती हैं तो उसके बाद अगर हम किसी चीज़ का ध्यान नहीं रख रहे हैं तो हमारा बैड कोलेस्ट्रॉल ईजिली बढ़ जाता है और गुड कोलेस्ट्रॉल की क्वान्टिटी घट जाती है। हमको क्या करना है, हमें योग के द्वारा और अच्छा खाना खाना यानी अच्छी डाइट लेना बहुत ज़रूरी है, जिसके द्वारा हम इजीली अपने गुड कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन कर सकते हैं यानी बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, आप जानते हैं अगर हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल हाई हो जाता है यानी ज़्यादा बढ़ जाता है तो उससे दिल की बीमारियां बढ़ जाती हैं, यानी हमारी जो हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाती हैं, तो फ्यूचर में काफ़ी सारी कॉम्प्लिकेशन हार्ट से रिलेटेड होना शुरू हो जाती हैं, तो हमें इसके लिए इसको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि इसके क्या क्या कारण होते हैं। सबसे बड़ी बात, अगर हम लोग मीट वगैरह यानी हम नॉनवेज ज़्यादा खाते हैं, मांस मछली अंडा इसका सेवन ज़्यादा करते हैं, इसकी वजह से भी हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। और इसके अलावा अगर हम डेली प्रोडक्ट यानी डेयरी के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, दूध उत्पादक की जो चीज़ें होती हैं, अगर उसका सेवन ज़्यादा करते हैं तो भी हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, क्योंकि इसमें कई मात्रा में प्रोटीन होता है और हमारे शरीर को अगर अधिक फैट मिल जाता है तो इससे भी दिक्कत हो जाती है। इसके अलावा अगर आप तली भुनी चीज़ें खाते हैं उससे भी आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, और साथ में जो लोग अल्कोहल कंज्यूम करते हैं वो भी हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता है। तो यानी आपको ऑयली हैवी चीज़ों से बचना है और आपको सादा भोजन खाना है, क्योंकि इसी से ही आप अपने हाई कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन कर सकते हैं। दोस्तों, हम योग के जरिए अपने कोलेस्ट्रॉल को बिना किसी साइड इफेक्ट के मेंटेन कर सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। इसके लिए दोस्तों आपको करना क्या होगा, अपने डेली लाइफ में आपको एक्सरसाइज करनी होगी, यानी जितना हो सके आप एक्सरसाइज कीजिए, वॉक करिए, टहलने की आदत डाल लीजिए, जिससे आपका जो कोलेस्ट्रॉल है वो कई हद तक मेंटेन हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं योगासन की तरफ, यानी आप कौन कौन से ऐसे योगासन करेंगे जिससे आपका कोलेस्ट्रॉल मेंटेन हो जाएगा। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आएंगे कपालभाति प्राणायाम के लिए। कपालभाति प्राणायाम बहुत ही अच्छा और लाभकारी है कोलेस्ट्रॉल में, क्योंकि जब हम कपालभाति का अभ्यास करते हैं तो हमारे जितने भी ये जो लंग्स का एरिया होता है, लंग्स में अच्छे से ऑक्सीजन होती है, वो वेंटिलेट होती है, यानी अच्छे से एयर जाती है, और हमारे हार्ट भी पंप होता है अच्छे तरीके से, जिसका बहुत ही अच्छा आपको इफ़ेक्ट दिखाई देगा। तो चलिए पहले हम करते हैं कपालभाति का अभ्यास। बहुत ही ईजी अभ्यास है। अपने हाथों को चिन या ज्ञान मुद्रा में रखते हुए कमर गर्दन को बिल्कुल सीधा रख लेंगे। अब यहीं से आपको एक्सहेल सांस को छोड़ते हुए स्ट्रोक्स यानी झटके के साथ सांस को छोड़ना है और पेट को अंदर की ओर पिचकाते हुए आना है। देख लें किस तरीके से करना है। रिलैक्स कर लेंगे, लंबा सांस लेंगे और लंबा ही सांस छोड़ देंगे। दोस्तों, जिस तरीके से आपने देखा कपालभाति में आपको करना क्या है, सांस को झटके के साथ छोड़ना है बाहर। जब आप सांस को छोड़ेंगे तो पेट अंदर जाएगा ऑटोमेटिकली, जिसका बहुत ही अच्छा इफेक्ट आपको आपके हार्ट के लिए पड़ेगा, यानी कोलेस्ट्रॉल के लिए बहुत ही अच्छा लाभकारी रहेगा। तो आपको स्टार्टिंग में इसे 30 से 40 बार करना है एक बार में। इसी तरीके से आपको 3 सेट कर लेने हैं। धीरे धीरे आप प्रैक्टिस में आते हुए जब आपको एक आदत बन जाएगी तो आप इसे 1 या 2 मिनट तक भी कंटिन्यू कर सकते हैं, तो जिससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। चलिए अब आएंगे दूसरे प्राणायाम की तरफ, जिसको बोलते हैं भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम दोस्तों बहुत ही अच्छा और लाभकारी प्राणायाम है। ये काफ़ी सारी बीमारियों में लाभकारी होता है और इसी में से एक होता है कोलेस्ट्रॉल, उसमें भी आपको बहुत हेल्प करेगा। तो आपको करना क्या है, श्वास को पूरा भरना है, यानी श्वास आपका पूरा अंदर होना चाहिए, यानी लंग्स तक श्वास को पूरा भर लेना है, और पूरा ही एक्सहेल श्वास को बाहर भी छोड़ देना है।
तो चलिए करते हैं इसका अभ्यास। श्वास को हम हाथों के माध्यम से करेंगे, इनहेल करते हुए, एक्सहेल करते हुए हाथ नीचे आ जाएंगे। तो दोस्तों ये था भस्त्रिका का अभ्यास, जिसमें आपको श्वास को पूरा भरना है हाथों के साथ, हाथों की गति के साथ। अगर आप श्वास को पूरा लेंगे तो अच्छे से आपके अंदर श्वास भर पाएगी और पूरा ही एक्सहेल, हाथ नीचे आते ही श्वास भी पूरा झटके के साथ आपको बाहर छोड़ देना है। ध्यान रखेंगे दोस्तों इन सभी योगासन और प्राणायाम का जो अभ्यास है वो आपको सुबह खाली पेट ही करना है, यानी आपका पेट खाली रहना चाहिए। और अगर आप शाम के टाइम कर रहे हैं तो उस टाइम भी आपका, यानी उससे 3 घंटे पहले आपको खाना खा लेना है ताकि आपका पेट खाली हो जाए। चलिए अब आएंगे हम तीसरे योगासन की तरफ। चलिए आ जाएंगे हम पश्चिमोत्तानासन के लिए। दोनों पैरों को इस तरीके से खोलते हुए हिला लेंगे। बॉडी को पूरा रिलैक्स रखने की कोशिश करनी है, ज़्यादा बिल्कुल बॉडी को टाइट नहीं रखना है। चलिए अब यहीं से दोनों हाथ को ऊपर लेके जाएंगे श्वास को भरते हुए। अब श्वास को छोड़ते हुए आगे की ओर आ जाएंगे। आगे की ओर आते हुए जितना हो सके अपनी बॉडी की कैपेसिटी के हिसाब से आपको आगे की ओर झुकना है। अब यहीं पर आपको 15 से 20 सेकंड तक होल्ड करना है। फिर धीरे से इनहेल करते हुए वापस आ जाएंगे। दोस्तों यह है पश्चिमोत्तानासन का अभ्यास, इसमें दोनों हाथ ऊपर जाएंगे, श्वास को भरते हुए लेके जाना है और छोड़ते हुए आगे की ओर आ जाना है आपको। पश्चिमोत्तान का अभ्यास आपके लिए बहुत रहेगा, ये हमारे फैट को भी कम करने में हेल्प करता है, साथ में हमारे कोलेस्ट्रॉल को भी मेंटेन करता है। चलिए अब यहीं से हम आएंगे चौथे योगासन की तरफ, जिसको हम बोलते हैं चक्की चालन। इसमें हमें क्या करना है, दोनों पैरों को खोल लेना है, मैट के बराबर लेग्स के बीच में गैप ले लेंगे। अब यहीं से हाथों को इंटरलॉक करते हुए श्वास को छोड़ते हुए आगे की ओर जाएंगे और लेते हुए पीछे की ओर आना है, यानी पूरा पीछे जाएंगे और पूरा आगे आएंगे। इस तरीके से आप इसे इजीली कहीं पर बैठकर कर सकते हैं, ज़्यादा टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है इसमें आपको। इस तरीके से आपको करते हुए आना है, क्लॉकवाइज कर लेंगे आप, 15 राउंड करेंगे क्लॉकवाइज इस तरीके से, और फिर यहीं से आपको एंटी क्लॉक करते हुए आना है। पूरा फॉरवर्ड यानी आगे की ओर जाएंगे, कोशिश करेंगे पीछे की ओर जाएं, पर पूरा लेटना नहीं है पीछे की ओर जाते हुए, इसका ध्यान रखेंगे। इस तरीके से आपको करते हुए आना है। चलिए अब आएंगे यहीं से अंतिम आसन की तरफ, जिसको हम बोलते हैं चक्रासन। चक्रासन हमारे हार्ट के लिए बहुत ही लाभकारी है, क्योंकि हमारे पूरी तरीके से चेस्ट में अच्छा प्रेशर देता है, जिससे हमारा कोलेस्ट्रॉल मेंटेन होता है। अब यहीं पे क्या करना है आपको, इजीली मैट पे लेट जाना है, बॉडी को एकदम लूज छोड़ देंगे, शरीर को तैयार कर लेना है आपको। चलिए अब यहीं से जब आपको लगे कि आपका शरीर आपका मन तैयार हो चुका है, उसके बाद हमें करना है चक्रासन का अभ्यास। दोनों नीज को बैंड कर लेंगे, यानी मोड़ लेंगे घुटनों को, अपने दोनों हाथों को आपकी जो हथेलियां हैं उसको इजीली प्लेस कर देंगे, यानी इस तरीके से रख देंगे अपने मैट पे। दूसरा हाथ भी सेम आपको इस तरीके से रख देना है। अब यहीं से पोजीशन सेट करते हुए अपने अपने बॉडी को, इस वाली बॉडी को, यानी जो आपका अपर से लेकर लोअर बॉडी है, इसको आपको ऊपर की ओर लिफ्ट यानी उठा लेना है। चलिए अब यहीं से इनहेल करते हुए ऊपर की ओर उठा लेंगे इस तरीके से। अब यहीं पर आपको होल्ड करके रखना है, थोड़ा सा डिफिकल्टी आएगी शुरुआत में, लेकिन आप प्रैक्टिस के बाद कर पाएंगे। 15 सेकंड तक आपको इसी में होल्ड करना है, फिर धीरे से वापस आ जाना है। तो दोस्तों ये थे हमारे कुछ प्राणायाम और योगासन, जो कि हमारे कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करने के लिए बहुत ही लाभकारी और बढ़िया अभ्यास है। दोस्तों आपको कोलेस्ट्रॉल के लिए कोई दवाई खाने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करना है, यानी अपने डाइट पे ध्यान देना है, अच्छा और हेल्दी खाना खाना है, कम तेल मसाले वाला खाना खाना है, हैवी खाना नहीं खाएंगे, और इसके अलावा आप वॉकिंग करेंगे, रनिंग कर सकते हैं और योगासन करेंगे, आपको बहुत लाभ मिलेगा और आपका कोलेस्ट्रॉल इजीली मेंटेन हो जाएगा। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी है कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को भी ऑल पर प्रेस कर देंगे, ताकि इसी तरीके के हेल्दी अपडेट्स हमारी वीडियोस के थ्रू आप तक इजीली पहुंचते रहे।
और दोस्तों अगर आपको हेल्थ से जुड़े किसी भी तरह के क्वेश्चंस करने हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक या इंस्टाग्राम पर, वहां पर मैं आपके क्वेश्चन का आंसर इजीली दे पाऊंगी। तो दोस्तों अभी के लिए नमस्कार, जल्द ही मिलेंगे अगले वीडियो में।